हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. कुमार सैलरी 30,000 पर मंथ. कुमार की सैलरी 30,000 पर मंथ है और वो अपने खाने पे कितना परसेंट खर्च करता है? 25%. तो मनी ही स्पेंट ऑन फूड. तो उसकी टोटल सैलरी कितनी है? 30,000. 30,000 का 25% ये फूड पे खर्च कर देते हैं. तो मतलब 7,500 रुपीज़ वो खाने पे खर्च कर देते हैं. अब उसने बोला है आगे एंड 25. अब उसने आगे बोला 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन. खाने पे खर्च करने के बाद जो उसका रिमेनिंग बचता है उसका 20% वो किस पे खर्च करता है? अपनी एजुकेशन पे. 30,000 में से 7,500 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,500. उसने बोला रिमेनिंग का 20% वो किसके ऊपर खर्च करता है? अपनी एजुकेशन पे. इसका 20%, तो ये कितना आ जाएगा? 4,500 रुपीज. आगे बोलता है बट ही पेज 5% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन पेइंग द इनकम टैक्स. अब वो अपनी सैलरी का 5% कहाँ पे खर्च कर देता है? इनकम टैक्स को पे करने के लिए. अपनी सैलरी का टोटल उसकी सैलरी कितनी है? 30,000. 30,000 का 5% कहाँ चला जाता है? इनकम टैक्स को पे करने के लिए. तो ऐसे कितना आ जाएगा? 1,500 रुपये उसके कहाँ चले जाते हैं? इनकम टैक्स को पे करने के लिए. अब क्वेश्चन में बोला है कि वो 8,000 रुपये बचा भी रहा है. ऑल दीज थ्री डिडक्शन, व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल हिम आफ्टर हिज सेविंग्स? सेविंग करने के बाद भी उसके पास कितना अमाउंट बचता है? तो फूड पर उसने कितना खर्च कर दिया है? 7,500 रुपीज़. उसने एजुकेशन पे कितना खर्च कर दिया है? 4,500. उसके बाद उसने इनकम टैक्स को पे करने के लिए कितना खर्च कर दिया है? 1,500. और उसने सेविंग कितने की कर ली है? 8,000 की. 8,000 के बाद पूछ रहा है अब कितना पैसा उसके पास बचा हो. और टोटल पैसा है कितना उसके पास? 30,000. तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21,500. एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8,500 रुपीज़ आंसर.